हेलो गाइस, वेलकम टू बेटे जॉन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट सम नेगेटिव वर्ड्स एज वेल एज आ क्वेश्चन वर्ड। सो व्हाट आर दोज नेगेटिव वर्ड्स एज वेल एज दैट क्वेश्चन वर्ड्स, वी विल रिमेंबर, वी विल लर्न समथिंग अबाउट देम एंड टुडे जस्ट ऑल्सो विल लर्न दैट हाउ टू मेक द सेंटेंसेस वाया दीज वर्ड्स। So today, just we have to concentrate on the concepts as well as some words. These are the negative words. So दोस्तों, आज कुछ word है जो negative कही जाते हैं, अपने आप में negative होते हैं, उनमें नहीं already fix होता है, not अलग से नहीं आता है। तो वो words हैं हमारे nothing, nowhere, none और never। So दोस्तों, nothing का मतलब you know very well कुछ नहीं होता है, nowhere का मतलब कहीं नहीं होता है, और नन का मतलब कोई नहीं या किसी को नहीं या किसी से नहीं होता है। नन नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये चारों वर्ड हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में भी ये यूज किए जा सकते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज किए जा सकते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी यूज किए जा सकते हैं, कंटिन्यूस में भी ये यूज किए जाते हैं, और परफेक्ट में। तो ऐसे ही 12 टेंसों में से जिनमें ये यूज किए जाते हैं उनमें यूज किया जाना चाहिए, और उनको लेकिन यूज कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो दोस्तों, आई यूज दीज वर्ड्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एज वेल एज पास्ट इंडेफिनिट व्हाइल शोइंग द रूल रेगुलेशन ऑफ दीज काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस। दीज आर द रूल रेगुलेशन, मीन दिस इज द फॉर्मूला इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड दिस इज द फॉर्मूला इन पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सिंपल का। जब नेवर का, नथिंग का, नन का और नेवर का यूज हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है, लेकिन बनता वो उस टेंस के सिंपल सेंटेंस में है। सपोज हमने एक सेंटेंस बनाया है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, इट मीन्स वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो दोस्तों, इसमें है छिपा हुआ है, लेकिन हम अपनी यूजर लैंग्वेज में वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी कहीं नहीं जाता है, मोस्टली नहीं बोलते, लेकिन पूरी ग्रामेटिकली तो है ही बोला जाता है, लेकिन यूजुअली हम ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैंने ऐसा ही लिख दिया है। सो वो कभी झूठ नहीं बोलता, इट मीन दिस इज शोइंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट आइडेंटिफिकेशन। सो वो कभी झूठ नहीं बोलता नेगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों, कभी नहीं की मीनिंग, ये कभी नहीं, इसकी मतलब क्या होता है, नेवर होता है। इट मीन्स यहाँ पर नेवर का यूज होगा, सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ही नेवर, फॉर्मूला क्या है, ही नेवर, फिर नेवर की फर्स्ट फॉर्म टेल्स आ लाई अदरवाइज लाइज, इधर यूज टेल द लाई और लाई, दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज किया जा सकता है, दोनों का मतलब झूठ बोलना होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट इज इन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं क्या करना है। वह कभी झूठ नहीं बोला, इट मींस दिस इज पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, बट वी विल मेक दैट इनटू सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। राइट नाउ जस्ट ट्राई टू मेक दैट, ही नेवर लाइड। सो दोस्तों, आई जस्ट टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइड। लाइड का मतलब झूठ, और लाइड का मतलब झूठ बोलना भी होता है। दिस इज नाउन एज वेल एज वर्ब आल्सो, नाउन भी है और वर्ब भी है। तो यहाँ पर ही नेवर लाइड, ये पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में बना है, और अब हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के जब सिंपल सेंटेंस में बनाया जाता है सेंटेंस, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड और डिड जो है वो यूज नहीं की जाती। तो हमने यहाँ पर ही नेवर सेकंड फॉर्म, ही नेवर और सेकंड फॉर्म, देयर इज नो मैन वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट, सो वी डिड नॉट अप्लाई। ओके, तो दोस्तों, ये नेवर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, और ये नेवर वाला पास्ट इंडेफिनिट में बना है, तो हमने ये बना दिया है। लेट्स टॉक अबाउट फर्दर वर्ड्स, जो रिमेनिंग जो वर्ड्स है हमारे उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब कौन से बचे हैं, नथिंग, नो वेयर एज वेल एज नन, ये तीनों ही वर्ड नेगेटिव है, ये भी नेवर का हम कर चुके हैं, और ये तीनों का भी हमें करना है। दोस्तों, जब ये तीनों वर्ड आते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किए जाते हैं। इट मींस ये भी अगर किसी सेंटेंस में आते हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन ये भी सिंपल में बनाए जाते हैं, सिंपल के सेंटेंस के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस सी आई एस प्लस नथिंग आप लिख नो वेयर आप लिख नन, ये तीनों के तीनों हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट राइट डाउन कर दिया है, ये आपको समझना है।
ऐसे ही ये पास्ट में भी यूज किया है तीनों वर्डों का, वन टू थ्री, नथिंग नो वेयर एंड नन का, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस नथिंग प्लस नो वेयर प्लस नन, दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट, दिस आर ऑल्सो लाइक अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ये वर्ड तीनों वर्ड अगर किसी सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। Let's talk about some sentences in present indefinite. We made also some Hindi as well as some English sentences there. So right now, what is the first sentence? मैं इस समय कुछ नहीं खाता. This is a present indefinite sentence. Negative. तो कुछ नहीं की दोस्तों हम पहले देखेंगे कुछ नहीं की meaning क्या होती है. कुछ नहीं की meaning होती है nothing. कुछ नहीं की क्या होती है nothing. तो देखते हैं काम कौन कर रहा है. मैं की आई हो गई. ये आई हैव को शॉर्टकटली ऐसे राइट डाउन किया जाता है. ठीक है, दिस इज रिटन एज दिस वे. आई हैव नथिंग दिस टाइम. आई हैव नथिंग दिस टाइम. आई प्लूरल में आता है, हम सब जानते हैं, होता एक ही बंदा है, बट इंग्लिश के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसको प्लूरल नाउन के रूप में, प्लूरल सब्जेक्ट के नाउन वगैरह के प्लूरल नाउन के रूप में जाना जाता है. आई हैव नथिंग दिस टाइम. मैं इस समय कुछ नहीं खाता. नेक्स्ट इज वो सुबह में कहीं नहीं जाता. ही गोज नो वेयर. यहाँ पर दोस्तों कहीं नहीं आ रहा है तो कहीं नहीं नो वेयर आएगा. काम कौन कर रहा है? ही. काम क्या हो रहा है? जाने का. कहाँ पर जाने का? कहीं नहीं. ही गोज नो वेयर इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट इज हम किसी को छोटा नहीं समझते. दिस इज ऑल्सो द प्रेजेंट इंडेफिनिट बट नेगेटिव सेंटेंस. वी अंडर एस्टिमेट. अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कमतर समझना या छोटा समझना. We underestimate none. So we means this is a plural subject. So we won't apply there. SOES in the main verb underestimate. So we underestimate none. हम किसी को छोटा नहीं समझते. So let's talk about the past indefinite some sentences. Past indefinite के कुछ sentences के बारे में हम यहाँ पर कुछ knowledge लेंगे. मैंने इस समय कुछ नहीं खाया. दोस्तों दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट बट नेगेटिव सेंटेंस बट विल बी मेड लाइक अ रूल रेगुलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नेगेटिव है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में इसको बनाया जाता है. आई हैड नथिंग. दोस्तों हैव का मतलब खाना पीना दोनों होता है. हैव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैड होती है. यहाँ पर हम सब्जेक्ट ये लगाया आई और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म. वो सुबह में कहीं नहीं गया. दिस इज ऑल्सो द पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस. सो कहीं नहीं की हम जानते हैं नो वेयर होती है. He went nowhere in the morning. In the morning. Next is हमने किसी को छोटा नहीं समझा. So दोस्तों देखिए एक चीज और है. नहीं आ रहा है और किसी को नहीं. किसी को नहीं कि हम क्या हमें क्या बताएं मीनिंग डन होती है. We underestimated. It is underestimated. This is the second form. हमने नहीं समझा क्या कमतर. नन मीन्स किसी को. Okay. हमने किसी को कमतर नहीं समझा. So, दोस्तों ये नेगेटिव वर्ड है. इसमें जब ये चारों वर्ड यूज किए जाते हैं तो वहां पर कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि नॉट इन्हीं वर्डों के अंदर आया हुआ है. हिंदी में भी देख सकते हैं हम कुछ नहीं. नहीं इसी में आया हुआ है. सो नॉट लगाने की नीड नहीं है वहां पर. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट सिचुएशन. टॉट ऑफ हु एज वेल एज नन. नन का एक यूज हमने बताया ऑब्जेक्ट के रूप में. ऑब्जेक्ट के रूप में इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट के रूप में इसका मतलब कोई नहीं और किसी को नहीं होता है. लेकिन अगर इसको सेंटेंस इस वर्ड को हम सब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कोई नहीं. क्या होता है? कोई नहीं. तो यहाँ पर हम कोई नहीं के रूप में नन का यूज करेंगे. जब ये कोई नहीं के सेंस में आएगा तो इट मीन इट विल डू द वर्क एज अ सब्जेक्ट. इट मीन दिस विल बी अ सब्जेक्ट देयर. ये सब्जेक्ट होगा वहां पर. नन का मतलब सब्जेक्ट है. हु भी एक सब्जेक्ट है. हु भी एक क्वेश्चन वर्ड है. लेकिन वो एक क्वेश्चन वर्ड होते हुए ये काम को करता है इसलिए इसको सिंपल सेंटेंस में बनाया जाता है. सेंटेंस सेकंड इंटरोगेटिव होता है. सेंटेंस क्वेश्चन होता है एक किस्म से. लेकिन इसको सिंपल सेंटेंस में बनाया जाता है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. मैंने ये दो फॉर्मूले प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिखे हैं. ये दोनों फॉर्मूले पास्ट इंडेफिनिट के लिखे हैं. तो दोस्तों जगह की कमी है इसलिए मैं